Yesterday we have discussed tetrachloric correlation. Am I audible? Yes, sir. Okay. So yesterday we have discussed tetrachloric relation, and this is the introductory one. We are not going into the detail, but you should know about these things. So I'm just briefly covering it. So ab isme hum log jo phi coefficient hai, अगेन ये एक तरह से एक्सटेंशन है, जैसे आप वहां पे देख रहे थे कि कुछ ऑर्डिनल डेटा के साथ में टेस्ट यूज होते हैं, किसी में एक कंटिन्यूअस है, एक ऑर्डिनल है, किसी में डाइकोटोमस है बट दैट इज क्रिएटेड वन, किसी में जेन्युइन है, दैट काइंड ऑफ थिंग. सो अब देखते हैं कि phi कोफिशियंट में जो हमारा phi कोफिशियंट है इसमें किस तरह की चीजें होती है. तो phi कोफिशियंट r phi रिलेटेड टू द काई स्क्वायर फ्रॉम 2/2 टेबल. अब काई स्क्वायर हम करेंगे आगे चल के, हमारे सिलेबस में है तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे. 2/2 टेबल का मतलब होता है समथिंग लाइक दैट, व्हेन देयर आर टू कंडीशंस एंड टू वेरिएबल्स, दैट काइंड ऑफ सिचुएशंस. यहां पे एग्जांपल होगा तो वो बताऊंगा मैं आपको. तो क्या है, when two distributions correlated are genuinely dichotomous, यानी दो डिस्ट्रीब्यूशन है दोनों ही correlated है and genuinely dichotomous है. dichotomous बताया था मैंने आपको, genuinely जैसे male female, that kind of like situation. So when the two classes are separated by a real gap between them and previously discussed correlation method do not apply, we may resort to phi coefficient. क्या है, when two classes are separated by real gaps, जब दोनों के बीच में एक real gap है ना, gap between them and previously discussed जो correlational methods है वो use नहीं होते हैं. क्या कह रहा है, when two distributions are correlated or genuinely dichotomous. अभी तक हमने जो किया वहां पे क्या हो रहा था, एक continuous था और वेरिएबल था और एक डाइकोटोमस था. इन केस ऑफ डाइकोटोमस नहीं था तो हम वो क्रिएटेड डाइकोटोमस था, मतलब आर्टिफिशियल तरीके से क्रिएट किया हुआ कि पास फेल दो अंडरलाइन कंटिन्यूस है लेकिन वो क्रिएटेड है. तो कहने का मतलब है अभी तक के जो हमने किए वहां पे कंडीशन एक हमारी ये जरूर रही है कि उसमें से एक डाइकोटोमस था और एक नहीं था, आइदर क्रिएटेड वन, आर्टिफिशियल वन या फिर जेन्युइन वन. यहाँ पे क्या है, दोनों ही जेन्युइन, दोनों ही जो वेरिएबल्स हैं डाइकोटोमस दे आर जेन्युइन वेरिएबल. दिस कोफिशिएंट वाज डिजाइंड फॉर सो कॉल्ड पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशंस व्हिच इंप्लाइज दैट द टू क्लासेस हैव टू पॉइंट वैल्यूज एंड मेयरली रिप्रेजेंट्स सम क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स. यानी अब दोनों ही डाइकोटोमस हैं तो पॉइंट वैल्यूज है या नहीं है, दैट काइंड ऑफ सिचुएशन, मेल और फीमेल है ना, हायर क्लास और लोअर क्लास, दैट काइंड ऑफ थिंग. तो यहाँ पे क्या है, दो ही वैल्यूज हैं दोनों वेरिएबल्स. अब phi कोफिशिएंट का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, उसमें की डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं. यूजुअली ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, हाँ बाय चांस आपसे कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस या टाइप्स पूछ सकते हैं, सो इसलिए थोड़ा सा पता होना जरूरी है. देन phi कोफिशिएंट क्या है, कैटेगरीज देखो क्या है, मेल एंड फीमेल और यहाँ पे बोथ, मतलब दोनों को प्लस कर दिया सीधा सर. नॉर्मल कलर रीजन, जिनको कलर रीजन जिनका नॉर्मल है, और दूसरे कलर ब्लाइंड, ये दो आपकी डाइकोटोमस कैटेगरीज हो गई. यानी ऐसे लोग जो जिनको क्या कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस है और ऐसे जिनको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है. तो ऐसे कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं उनमें क्या रिलेशनशिप है ये हमें चेक करना है. तो phi कोफिशिएंट यहाँ पे यूज होगा. द रीजन बीइंग बोथ द वेरिएबल्स आर क्या है, डाइकोटोमस है और जेन्युइनली डाइकोटोमस, ऐसा भी नहीं कि एक क्रिएटेड वन है ना. कलर ब्लाइंड कोई हो सकता है या नहीं हो सकता है, ऐसा थोड़ी होगा कि कुछ आधा कलर ब्लाइंड है आधा नहीं है, तब तो दैट इज नॉट कलर ब्लाइंड है या नहीं है, तो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन इज देयर.
अब ये जो वैल्यू यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है उसकी वैल्यूज दी हैं, जैसे बीटा दिया हुआ है आपका, अल्फा बीटा गामा, और इसको क्या बोलेंगे, अल्फा बीटा जीटा और समथिंग जो भी बोलते हैं, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। तो अल्फा बीटा गामा ये तो है, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो कलर विजन, नॉर्मल कलर विजन वाले लोग जो कि मेल है वो नंबर में कितने हैं, 42। नॉर्मल कलर विजन फीमेल है 26। टोटल कलर विजन जिनका में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे आर 68। ये पी क्यू प्रोपोर्शंस थे जो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। तो दीज आर द प्रोपोर्शन, है ना, 68 है टोटल। अब मेल जो टोटल मेल, चाहे वो नॉन कलर ब्लाइंड है या फिर कलर क्या कहते हैं नॉर्मल कलर विजन वाले लोग हैं, तो वो कितने हैं, 60। उसी तरह से फीमेल बोथ 40। तो ये इनका आपका प्रोपोर्शन हो गया। प्रोपोर्शन ही किसका हो गया, टोटल मेल एंड फीमेल का प्रमोशन प्रोपोर्शन हो गया। ये आपका टोटल कलर ब्लाइंड, कलर नॉर्मल कलर विजन एंड कलर ब्लाइंड लोगों का हो गया, ठीक है। टोटल स्कोर तो 100 रहेगा क्योंकि टोटल सैंपल हमारा 100 है। अभी हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला में आपने देखा कि किस तरीके से आर हम निकालेंगे, है ना। तो अब ये आपका अल्फा बीटा गामा ये सारे आपके वैल्यूज हो गए, यहाँ पे आपने डाल दिया एंड पी क्यू ये अंडरस्कोर करके, ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो फॉर्मूला सिंपल है, कैलकुलेशन सिंपल है, कुछ ज्यादा इसके अंदर नहीं करना है हमें, बट समझना है कि कहाँ पे अप्लाई करना है। जैसे कल कोई मुझसे पूछ रहा था कि ये ना करें तो क्या काम नहीं चलेगा, चलेगा, आप रिसर्च कर भी पाओगे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि अगर आपको नहीं पता है तो आपको ये भी तो पता नहीं चलेगा कि आप रिसर्च क्या कर रहे हो और उसमें कौन सा आपका क्या कहते हैं टूल, स्टेटिस्टिकल टूल आप यूज कर सकते हो, आपको पता ही नहीं है। जब आपको पता नहीं है तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करो, आपके किसी मतलब का नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं कि कौन सा यूज करना है ना। तो ये बिल्कुल वैसे ही है कि आपके पास मोबाइल है, बहुत अच्छा मोबाइल है, बट यू डोंट नो विच ऐप टू इंस्टॉल एंड विच ऐप टू यूज और हाउ टू यूज, आपको पता ही नहीं है। तो आप कितना भी मोबाइल आपका कितना भी पावरफुल हो, सपोर्ट करता हो बहुत सारी चीजों को, बट यू डोंट, इफ यू डोंट नो, यू डोंट सपोज यू वांट टू डू वीडियो एडिटिंग एंड यू हैव हाई ग्रेड क्या कहते हैं डेस्कटॉप और लैपटॉप जो प्रोसेस कर सकता है, जो 1 TB 2 TB का डेटा भी एक साथ प्रोसेस कर सकता है, 10 विंडोज को एक साथ चला सकता है, प्रोसेस कर सकता है वीडियोस को, लेकिन अब इफ यू डोंट नो हाउ टू एडिट एंड तो अब क्या होगा या कैसे प्रोसेस करना है डेटा, देन कोई यूज ही नहीं है। आप 10 लाख का लैपटॉप लेके आ जाओ, 5 लाख का लेके आ जाओ, आपके यूज करनी है आपके भी, आपको पता नहीं है कैसे यूज करना है। तो दैट इज वॉट योर नॉलेज इज, सॉफ्टवेयर इज अ डिफरेंट थिंग। देन